नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं अरविंद सिंह। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दो साथी लुटेरों को लूट की वारदात को अंजाम दे रहे दोनों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए दोनों बदमाश देहली एनसीआर यूपी के कई जिलों में कीमती गाड़ी लूटने को अंजाम दे रहे थे। इनके पास से भारी मात्रा में असलाह बरामद हुए हैं। पुलिस की हत्थे चढ़े ये साथी बदमाश मुख्तियार व राजेश, जो बिजनौर व सोनीपत हरियाणा के रहने वाले हैं, पिछले कई सालों से ये दोनों बदमाश कीमती गाड़ी लूटकर नंबर प्लेट चेंज करके दूसरों को गाड़ियां बेचने का काम कर रहे थे। लेकिन इसी बीच बीती शाम बिजनौर के रेहड़ी इलाके की पीली नहर के करीब लूट की वारदातों को अंजाम दे ही रहे थे कि इसी बीच पुलिस टीम ने चारों तरफ से घेर लिया और मुठभेड़ के दौरान दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों बदमाशों के खिलाफ लूट चोरी के दर्जन भर से ज़्यादा यूपी और उत्तराखंड में मामले दर्ज हैं। इनके पास से 5 तमंचे, 12 बोर, एक पेटी कारतूस, एक स्विफ्ट कार बरामद हुई है। क्रिमिनल हैं और इनके पास से 4 अवैध असलहे, जैसा कि आपने देखा, और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुआ। हाँ, इसमें इनका अच्छा खासा क्रिमिनल हिस्ट्री है। और इसके साथ ही जो इसमें राजेश है, ये अभी कुछ ही दिन पहले जो है वो सोनीपत की एक सोने की दुकान में इसने लूट की थी, जिससे वो जेल से छूट के बाहर भी आया था। और बेसिकली ये लोग मूल रूप से शराब के तस्कर हैं, लेकिन इधर पुलिस की बहुत ज़्यादा सख्ती की वजह से ये शराब की तस्करी का काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से इन्होंने ये योजना बनाई कि हम किसी भारी लूट का अंजाम दें, क्योंकि इनको तमाम सारे मुकदमों में वकीलों को सबको पैसा देना रहता है। इन सब वजह से ये पूरी योजना बनाई गई थी। और इस कार्रवाई पर जो चूँकि चुनाव के दौरान की गई और इससे काफ़ी जो है इसकी जनता में बुरी प्रशंसा हुई, और हमारे पुलिस अधीक्षक बिजनौर महोदय ने इसमें इस टीम को 5,000 रुपये के इनाम देने की भी घोषणा की।